सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं थारा भाई पवन मलिक, और अब हमारे साथ ग्राउंड में हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हिंदुस्तान की आन बान शान, बहुत ही बेहतरीन और शांत स्वभाव के कबड्डी खिलाड़ी बिल्लू मूंड। तो पहलवान जी राम राम। राम राम सर। राम राम। पहलवान जी के बारे में आज बता देता हूँ भाई। पहलवान जी उन लाखों कबड्डी खिलाड़ियों के आइडल रहे हैं, जो कबड्डी खेला करता ना बड़े बड़े खिलाड़ी मैंने उस कहते सुने हैं मैं बिल्लू मूंड बनना चाहूँ। आज इस खिलाड़ी ने अपने जीवन की अंतिम रेड लगाई है और आज दादूपुर खेल मेले में आज पहलवान जी ने संन्यास की घोषणा करी है, संन्यास लिया या अंतिम रेड थी। पहलवान जी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपके जो चाहने वाले रहे हैं, जो इतना प्यार इतना मान सम्मान आपको आपके कबड्डी कैरियर में दिया, तो उनको एक तगड़ी से राम राम दो भाई। सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। आज मेरा लास्ट मैच है, तो मेरे जो हरियाणा की जितनी कमेटी है बहुत मान सम्मान मिले मैंने सभी से, और जो मेरे चाहने वाले हैं और दर्शक सारे जो उन्हें बहुत मान सम्मान दिया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। तो पहलवान जी जैसे जो आपका कबड्डी कैरियर रहा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कितने खुश रहे करियर में? मैंने 2013-14 तोड़ी, कोई दिक्कत नहीं आई, मैं बहुत बढ़िया खेला और खुश तो मैं हमेशा ही रहता था। और आज को कबड्डी को अंतिम जो रेड लगाई और इसको भाई अलविदा कहते हो, तो कैसा हुआ? आज अंतिम भावुक तो पल होते हैं, ये जो कबड्डी की लास्ट रेड थी, कबड्डी तो कोई त्यागना चाहता ही नहीं, कबड्डी तो हमारी माँ है। पहलवान जी ये जो फैसला आपने आज कबड्डी को छोड़ने का कराया, संन्यास लेने का कराया, क्या आपका ही फैसला था या परिवार यार यारे दोस्त सब ने बोला? ये तो फैसला मेरा खुद का था, क्यों मैं इंजरी इतनी हो गई थी कि मैं एक दो टूर्नामेंट भी फिट नहीं खेल पा रहा था, इस करके मैं खुद ही फैसला वो कर दिया ये भी संन्यास लेने का। इस फैसले से आपके जो प्रशंसक हैं, जो आपका भाईचारा है, परिवार है, वो राजी है? परिवार सभी राजी हैं, वो तो घर के तो सोचते हैं भाई अब भाई हमारा बेटा भी खेले, पर जब शरीर नहीं साथ देगा तो वैसी तो बात नहीं। मैं कबड्डी छोड़ी है, बाकी ग्राउंड के नज़दीक रहूँगा मैं, ऐसी बात नहीं, अपने जो बच्चे हैं नवे उनके साथ सहयोग दूंगा। बोलो जी कल को आप अपने जैसे बिल्लू मूंड से भी अच्छे हीरे तराशने की कोई कोशिश रखोगे? जरूर जरूर, मैं सोचूंगा कि भाई मेरे से भी प्रबट कर कोई आए तो मैं ये कोशिश करूंगा। बोलो जी आज आपके जो गुरु हैं सुभाष जी, आपके जो गुरु हैं जिन्होंने आपको तराशा, डॉक्टर सुभाष जैनी जी आपको गाड़ी के साथ मान सम्मान दे रहे हैं, आपकी अंतिम खेल की अंतिम क्षणों में, खेल के अंतिम क्षणों में, तो कैसा लग रहा है? जो मेरे गुरुजी हैं, मेरे मामा भी हैं, वो उन्होंने मेरे गाड़ी का मान सम्मान दिया, उसका तो एहसान मैं जिंदगी भर चका नहीं पक, पहले भी मेरे को तैयार किया था तो उसका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा और न एहसान चुका पाऊंगा, मैं तो ये कहता हूँ। पहलो जी आज क्या कहना चाहोगे कबड्डी जगत को, अपने मतलब भाई अपने कैरियर के बारे में, उनके प्यार के बारे में? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा भाई मेहनत और लगन से तैयारी करो, खेलो और देसी डाइट लो, बाकी मेडिसिन से दूर रह के और सच्चे दिल से कबड्डी खेलो भाई। पलन जी आखिरी रेड जब लेके आए, हाथ जोड़ते आए थे, सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के आपने मान सम्मान दिया, वो सबको अंतिम नमस्ते दी भाई, अब शायद खेल किट में बिल्लू मूंड नहीं दिखेगा? आज ये तो लास्ट रेड है ही थी, मेरी लास्ट ही मैच था, तो आगे तो खेल कबड्डी तो संन्यास ले ही लिया मैंने कबड्डी। आज जब आपने संन्यास ले लिया तो हंसते हंसते लो एक बार प्लीज स्माइल, फेस पे स्माइल होने चाहिए, काफ़ी भावुक से नजर आ रहे हो, ऐसा नहीं है, बहुत तगड़ा कबड्डी कैरियर रहा आपने तो,
मतलब नो मान लो कि भाई स्तंभ काटे हैं अपने, तो हरियाणा का नाम विदेशों तक चमकाया, तो हंस के प्लीज पलवान जी। सभी दर्शकों राम राम भाई, कोई गलती हो तो मेरी माफ करियो। बहुत बढ़िया बात है पहलवान जी ने कही, अगर कोई गलती पहलवान जी के जीवन में हुई हो, पर अगर पहलवान जी ने कदे कोई गलती करी है नहीं, बहुत शांत स्वभाव के और अच्छे, बहुत अच्छे इंसान पहलवान जी रहे हैं। तो थैंक यू पहलवान जी, और बहुत अच्छा लगा आपका कबड्डी करियर इतना अच्छा गुजरा, कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अच्छे करियर के। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद सारे दर्शकों, लास्ट बार मेरी राम राम हाथ जोड़कर। लास्ट बार नहीं, राम राम तो करता रहेगा, खेल दा कम दिखेगा कबड्डी जगत में। लास्ट बार राम राम सारे भाइयों ने भाई, राम राम, जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद। तारिया भाई Oh!